राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग व्लॉग। सो आज हम बनाएंगे पालक और टमाटर का बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी सूप। पालक हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, प्रोटीन, विटामिंस और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। यहाँ पे जो है मैंने पालक को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको रफली चॉप कर लिया है, उसके बाद एक पैन में डाल दिया है। इसके बाद इसमें जो है दो टमाटर डाले हैं और इनके ऊपर जो है क्रॉस का निशान लगा लिया है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम 2 से 3 कली लहसुन की और 1 हरी मिर्च डाली है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना तीखा खाते हैं, तो उसी हिसाब से आप मिर्ची ऐड कीजिएगा। और एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर मैंने अदरक का डाला है और 2 गिलास पानी डाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको जो है गैस पर रख देंगे और अब इसको अच्छे से कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट के लिए जो है पकने देंगे। हम इसे ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना तो जो पालक में विटामिन्स है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए 7 से 8 मिनट में जो है ये अच्छे से पक गए हैं और इस स्टेज पर जो है हम गैस को बंद कर देंगे और इसको जो है ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मुझे अभी जो है इंस्टेंट बनाना है, तो मैं ना इसे जो है एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। आप चाहें तो वैसे भी इसको रख सकते हैं, जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी बनाना है। तो ये मैंने जो है प्लेट में बहुत ही जल्दी ठंडा हो गया, मैंने फ़ैन के नीचे रख दिया था। अब क्या करेंगे, इसके जो छिलके हैं ना वो अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर हो ना तो उससे ब्लेंड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन मेरे यहाँ ख़राब हो रखा है तो मैं क्या करूँगी, मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी और बस इसको ज़्यादा नहीं एक बार घुमा लूँगी। और इसके बाद जो है हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें देसी घी डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच देसी घी लिया है और 1/2 चम्मच उसमें जीरा डाल दिया है और इसको जो है 1 उबाल आने तक पका लेंगे। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है रॉक सॉल्ट और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे ब्लैक, आधी नहीं 1/4 स्पून यहाँ पे मैंने जो है ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर लिया है। बस 1 उबाल आ गया है, अब जो है हम गैस बंद कर देंगे और ये देखिए हमारा जो सूप है वो रेडी है। अब जो है बच्चे ऐसे पिएंगे नहीं तो क्या करेंगे ना, इसको छान लेंगे एक छलनी से। तो ये बड़ी वाली छलनी यहाँ पर यूज़ करना, और छलनी में ज़्यादा कुछ भी नहीं बचा है। फ्रेंड्स, अक्सर बच्चे या कोई भी घर में बीमार होता है तो सूप पीने की सलाह दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, क्योंकि ना इसमें कोई परेशानी नहीं होती और सूप ना इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। और अगर आप डेली ये सूप पीते रहेंगे ना, तो एक तो खून की कमी नहीं होगी और दूसरा है ना जो हमारा डाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो आप इसे जो है डेली बना कर पिएँ, यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसके ना जो बेनिफिट्स हैं वो एक बार आप गूगल पर चेक करना। और बाय।